डिग्रस शहर के मुस्लिम समाज बांधवों ने हाल ही में कोल्हापुर जिले के गाजापुर में घटित घटना के दंगाइयों को तत्काल सजा दिलाने की मांग का ज्ञापन डिग्रस तहसीलदार को सौंपकर पीड़ित मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। पेश है डिग्रस संवाददाता जुबेर खान की खास रिपोर्ट। हाल ही में कोल्हापुर जिले के गाजापुर गांव में फुले शाहू आंबेडकर की पुरोगामी विचारधारा को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। झुंड की शक्ल में आए दंगाइयों ने गाजापुर बस्ती के मुस्लिम परिवारों पर हमला कर उनके घरों, दरगाह तथा मस्जिद प्रार्थना स्थल को हानि पहुंचाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। विशालगढ़ किला परिसर में किए गए कथित अतिक्रमण के विरोध की आड़ लेते हुए हिंसक गुट ने विशालगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजापुर में पहुंचकर अल्पसंख्यक समुदाय के महिला, बुजुर्ग और बच्चों से मारपीट की है। इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र भर में अल्पसंख्यक समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में डिग्रस में गुरुवार और शुक्रवार को मुस्लिम समाज बंधुओं सहित यवतमाल जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक कार्यकर्ता शहबाज दीवान तथा MIM आदि संगठनों की ओर से तहसीलदार डॉक्टर अर्जुन पावरा को ज्ञापन सौंप कर दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई गई है। मसला विशालगढ़ का अतिक्रमण हटाने का था और उस मकसद से दूर हटे हुए वहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर स्थित गाजापुर के अंदर एक विशेष समाज के ऊपर, खासकर मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए वहाँ पर कुछ समाज कंडकों ने वहाँ की मस्जिद के अंदर हमला किया। वहाँ पे झाड़पोड़ की गई, वहाँ के बेगुनाह बच्चों को मारा गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ पर किसका हाथ था और ये किसके कहने पे किया गया और इन लोगों के ऊपर कड़क कठोर कार्रवाई की जाए, इस मांगनी को लेकर आज हमने अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है। ये सब किया गया विशालगढ़ के अतिक्रमण को हटाने के नाम पर, और ये सब किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर। मैं इन आतंकवादियों का जाहिर निषेध करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मुस्लिम समाज की भावना दुखी है, हम इसका जाहिर निषेध करते हैं और जिन आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मैं मुस्लिम समाज के तरफ से और हमारे डिग्रस वासियों के तरफ से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। अगर ये ना हुआ तो इसके बाद में ये आतंकवादी लोग किसी की भी देवस्थान हो, धर्म हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये कभी भी एक अतिक्रम के नाम पे तोड़फोड़ कर सकते। विशालगढ़ में फैले अतिक्रमण का समर्थन हो ही नहीं सकता, अतिक्रमण हटाना जरूरी भी है। और खास बात यह है कि विशालगढ़ परिसर में किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि सभी समाज बंधुओं का अतिक्रमण वहां देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अतिक्रमण की जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजापुर के विशेष समुदाय को निशाना बनाने की बात मानवता को शर्मसार करने वाली है। महाराष्ट्र राज्य में घटित इस शर्मनाक घटना के बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के सामाजिक सौहार्द को खत्म कर लोगों को आपस में बांट कर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक स्वार्थ को हथियाने के खातिर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की एक न अनेक आशंकाओं पर आम जनमानस में चर्चा छिड़ गई है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है।
इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।